हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है, तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो बिंदास भाई को फ़ोन करने का, कुछ भी लाइफ में डिटेल, जॉब रिकॉर्डिंग, पर्सनल डिप्रेशन, सबसे मैं दूर कर दूंगा आपको। मेरा नंबर है 7204941 4541 6। सॉरी है, नंबर आप नोट कर लो। दिन में 12 बजे के बाद कभी भी आप कॉल करो, आपका स्वागत है। आपकी सारी प्रॉब्लम मैं इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की हंसी मैं डबल कर दूंगा। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के इसका आकार बदल देता है। मैं आज बात करूंगा फाइनेंस कंपनी में सीजिंग जॉब की। जी हाँ, अगर आप 10th पढ़े लिखे हैं, 12th पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करना आता है आपको ना, मेहनत से कमाई करना चाहते हो, मतलब मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप मेहनत से काम करना चाहते हो। आज की डेट में जहाँ आपकी उम्र के लड़के ओले बुक कर रहे हैं, आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मतलब आप मेहनती है, कुछ करना चाहते हैं, तो ईश्वर आपकी हर दुआ, हर मनोकामना पूरी करेगा। ऐसा मेरी प्रार्थना है दुआ ईश्वर से, और आपके भी ईश्वर को आप बिल्कुल मानिए। रोज़ मंदिर जाइए, रोज़ प्रार्थना कीजिए। आप लाइफ में अगर सेटल नहीं होगा ना भाई, तो मेरा ये वीडियो है, आप तुरंत मेरे को डिलीट कर देना या मेरे को अनसब्सक्राइब कर देना, अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी तो। बिल्कुल, आप हर भगवान को जिसको मानते हैं प्रार्थना करो और काम करो, कर्म और धर्म एक साथ होना चाहिए। बिल्कुल, तो करना क्या है इस जॉब में, देखिए इस जॉब में, सीजिंग जॉब में कुछ करना नहीं है। 10th हो, 12th हो, कोई मैटर नहीं करता। आपके पास फाइनेंस कंपनी का रिकॉर्डिंग, आपको लाइसेंस मिलता है, या फिर आपको कंपनी अप्रूवल देती है, या फिर पैसा खर्च कुछ नहीं करना है आपको, इसमें कुछ भी ऐसा फीस नहीं है, आपको गाड़ी सीज कर लाना है। मतलब जो भी कस्टमर है, जो भी कंपनी है, चाहे श्रीराम है, महेंद्र, जितनी फाइनेंस कंपनी है, उनके पास सीजर होते हैं, दो तीन जॉब रखती है सीजिंग का। एक बाइक सीजिंग करते हैं, कोई ट्रक सीजिंग करता है, जो कार अपने अपने रिकॉर्डिंग, जैसे उनको किसी को ट्रक चलाना नहीं आता है तो वो कार का ले लेते हैं, जिनको तो ऐसे सीजिंग का काम चलता है। आपको सिर्फ गाड़ी सीज करके लाना है, उसमें ज़्यादा कुछ कानून नहीं है। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, इसमें अगर आपको जॉब करना है कोई फाइनेंस कंपनी में सीजिंग का, तो आपको जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा कि सर मैं ये करता हूँ और मैं आपकी गाड़ियाँ सीज करके ला सकता हूँ। मतलब आपको कंपनी बोलेगी कि इस आदमी का गाड़ी सीज करके लाओ, इस आदमी ने हमको लोन नहीं दिया है, ये आदमी डिफॉल्टर घोषित हो चुका है, तो आपको गाड़ी उससे झीक के नहीं लाना है, उससे झगड़ा करके गाड़ी नहीं लाना है। आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि सीजिंग जॉब में गुंडागर्दी चलता है। भाई, दो चाबी होता है हर फाइनेंस कंपनी के पास में, जब भी किसी ने फाइनेंस किया है तो दो चाबी, अगर फाइनेंस है तो एक चाबी उसको मिलेगा, एक चाबी फाइनेंस कंपनी रखेगी। कब तक? एनओसी तक। जब तक कंपनी का एनओसी नहीं मिलता है, वो चाबी उसके पास रहेगा, तो आपको चाहे चाबी से निकालना नहीं है, धमका के चाबी मांगना कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंपनी देगी ये चाबी, ये लो सीजिंग का, वो अब क्या बोलते उसको यार, पुलिस वाले क्या बोलते हैं उसको, देते हैं कुछ जो भी है सीजिंग का ऑर्डर, हाँ ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर देगी, ये आदमी है, यहाँ रहता है, ये असली चाबी है, इसकी गाड़ी सीज करके लाइए, आपको जाना है, एकदम उठा के भी नहीं ले आना है, उसको बोलना आप ये सीजिंग का ऑर्डर निकला, ये पढ़ लो, आप गाड़ी जमा कर रहे हो या फिर आप पैसा दे दो तो आपकी गाड़ी सीज नहीं होगी, या तो आपको पैसा ले आना है या फिर आपको गाड़ी उठा के ले आना है। अब वो हाँ बोले ना बोले, हाँ बोले तो प्यार से, ना बोले तो सर मैं ले जा रहा हूँ, आप ऑफिस में आके बात कर लो, जो बात करना है कर लोगे, बस थोड़ा हिम्मत हो आप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल डरपोक होकर निकल जा रहे हो कि ना, तो हिम्मत होना चाहिए सीजिंग जॉब में, हिम्मत हो आपकी तो आप बड़े से बड़े आदमी का सीजिंग कर सकते हो। मैंने तो कई बार ऑटो को मैं किराए पर लेके आ गया, भाई तू चला के लेके आ ऑटो से, जब्त कर सीधा वहाँ पर कंपनी में छोड़, जो हमको कंपनी ने काम दिया है उसका, अब मैं पैसा ही उस बात का ले रहा हूँ, मैं सीजिंग का ही पैसा ले रहा हूँ, मैं कलेक्शन का ही पैसा ले रहा हूँ, मैं फाइनेंस का ही पैसा ले रहा हूँ, तो मुझको जॉब भी करना पड़ेगा। धर्म, मान्यता, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जहाँ जॉब की काम का पा लिया गया उस काम से मेरा घर चलता है, तो बिल्कुल सीजिंग करूँगा मैं आपकी गाड़ी, आपने कंपनी का किस्त नहीं पटाया तो मैं सीजिंग करूँगा आपकी गाड़ी, और यही मेरा काम है। एक सीजिंग का कितना मिलता है बताता हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, एक ट्रक का भी आपको 5,000 मिलेगा और एक बाइक का भी 50,000 मिल सकता है। यही एक जॉब का एक वो है कि इसमें एक बाइक सीज करने का भी 50,000 मिल जाएगा और एक ट्रक सीज करने का भी 5,000 मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बड़े गाड़ी ला रहे हो तो बड़ा सीज करोगे, रेट है, लेकिन क्या है वो आप सीजिंग करके किसका ला रहे हो, किस आदमी का आपने सीजिंग किया है, वो आदमी थोड़ा पावरफुल है या फिर थोड़ा गुंडागर्दी टाइप का आदमी है तो उसका चार्ज ज़्यादा रहेगा।
और ऐसी ना किसी नॉर्मल आदमी का लेके आ रहे हो तो भी आपको पैसा मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा उसमें, क्योंकि जो जो काम आसान हो जाएगा उसमें कम सीजिंग रहेगा। कंपनी को पता है इसका गाड़ी आसानी से आ जाएगा तो वो खुद नहीं लाएगी, वो आपको ही देगी, क्योंकि आपको ही साइन करना पड़ेगा। सीजिंग काम आपने कर लिया, कंपनी से ऑथराइज हो गए, आपने कंपनी से जुड़ गया, आपकी सैलरी बस बन गई, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास वो आएगा कि इस महीने ये गाड़ी लाना है, हर महीने दो तीन गाड़ी चार गाड़ी सीजिंग करना पड़ेगा आपको, और हर गाड़ी के पीछे आपको इंसेंटिव मिलेगा, कमीशन मिलेगा 10-15-20 मिनिमम 5 समझ लीजिए, बाइक से लेकर ट्रक तक लगा मिनिमम 5,000 हाईएस्ट 1,00,000 तक जाता है, कोई कोई इसमें नहीं है। चाना है बिंदास, फॉर्म दिखाए दिया सर, देख लो आपको, आपको सीजिंग ऑर्डर निकला है, आपने किस्त नहीं पटा रहे हो तो इसका मतलब है मैं आपकी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, प्यार से ले आए या फिर उठा के भी ले आए, सब सब चीज़ जायज़ है। आपके पास अथॉरिटी है, कोई केस कोई कानून आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस कस्टमर ने लोन लेने से पहले पूरा रिकॉर्डिंग साइन किया है कि मेरी गाड़ी मेरा सब कुछ, आप कभी भी चाहे लेके जा सकते हैं, आपको लगेगा मैं लोन पटाने में असमर्थ हूँ तो भी मैं आप गाड़ी लेके जा सकते हैं, तो ना पुलिस कंप्लेन कर सकता है ना कोर्ट में जा सकता है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। वो जाएगा जाने दो, पुलिस पास जाएगा जान दो, सर ये हमारी गाड़ी का रिकॉर्डिंग है, ये हमारा NOC हमारा पेपर है, ये गाड़ी हमारी, क्योंकि गाड़ी उसकी है ही नहीं, गाड़ी आपकी है, गाड़ी कंपनी की है, गाड़ी श्रीराम फाइनेंस की, गाड़ी महिंद्रा फाइनेंस की है, गाड़ी सबकी है। तो अरे आपका जॉब है, एजुकेशन कोई लिमिट नहीं है, 10th 12th कुछ भी पास हो नहीं भी पास हो तो भी आप महीने के सीजिंग में जॉब करोगे चोला शीरा महिंद्रा में, तो आप महीने के 30,000-40,000 रुपया कमाओगे ही कमाओगे। यार कभी अच्छे किस्मत रहा, बहुत अच्छे किस्मत रहा तो 1,00,000 के ऊपर जाएगा, लॉन्ग लाइफ जॉब है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक दो महीने किया छोड़, एक बार आपने पकड़ लिया तो जिंदगी फिर जब तक आप काम करने के लायक है तब तक आप काम कर सकते हैं, तब तक कमा सकते हैं, आपका भविष्य बन सकता है, बहुत अच्छी जॉब है सीजिंग जॉब कंपनी की, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, मैं तो बहुत बार सीजिंग करने में खुद जाता था तो काफ़ी मज़ा भी आता है सीजिंग करने में, ऐसा नहीं आया थोड़ा एटीट्यूड से गए तो सीजिंग कर लिया, स्टाइल ला के कंपनी को दिए, फट से चेक काट कर दे दी कंपनी, बहुत मज़ा भी आता है सीजिंग जॉब में। तो मैं यही कह जाऊँगा, अगर आपके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तो अपने शहर में ही अपने घर में रह के आप सीजिंग जॉब कर सकते हो, जिसमें आप मंथली 30,000-40,000 रुपये कमा सकते हो, और बहुत अच्छी जॉब है। मैं तो बोल रहा बिल्कुल आपको कंपनी में देखते हैं, ट्राई कीजिए और सीजिंग जॉब कीजिए, बहुत अच्छा। दोस्तों सीजिंग कंपनी इसके लिए अप्लाई कैसे करता है मैं बता रहा हूँ आपको, अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं, जितने फाइनेंस कंपनी है उन लोग के पास सीजिंग की आवश्यकता होती है, आप जाइए बोलिए सर मुझे आपकी सीजिंग जॉब करना है, आप BM से मिलिए, HR से मिलिए, बोलिए मेरे को सीजिंग जॉब करना है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होगी वो आपको पूरा कर देना है, आपको सीजिंग की जो जॉब मिल जाएगी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, ना एक्सपीरियंस, आपको कंपनी आपको जॉब दे देगी, थोड़ा बहुत पूछेगी आपको सीजिंग का जॉब दे देगी, और 8 महीना आप लाइफ भर कमा सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो, तो इसमें ना क्वालिफिकेशन है ना कुछ करने की जरूरत है, सिंपल काम है, ऑफिस भी आपको डेली जाना नहीं है, महीने में जब आपको काम रहेगा तो ही जाना, डेली वाला काम ही नहीं है, महीने में 5 दिन गए, 5 सीजिंग निकला, 5 दिन गए, और सीजिंग करने में आपको 10 दिन लग गया, मतलब 5 सीजिंग का ऑर्डर निकला आपको काम करने में 10 दिन लग गया, तो 10 दिन समझे मैंने कहा 10 दिन काम करोगे बिना 12th pass बिना 10th pass आपको 30,000-40,000 मिलेगा तो क्या बुरा है। दोस्तों ये जॉब की जानकारी बहुत कम लोग को है, मेरे सब्सक्राइबर को होगी, क्योंकि मैंने डीपली पूरा बताया सीजिंग का काम कैसे लेना है, जाना है फाइनेंस कंपनी में सीजिंग की जॉब के लिए ऑफर देना है, इंटरव्यू देना है, पास करना है, और उनको दे देंगे आपको जब 28 लेटर कि आप हमारी कंपनी के सीजर हैं, तो बल्ले बल्ले चालू कर दो। उसके अलावा आप जॉब पर नहीं भी जाओ तो एक लिमिट आपको सैलरी कंपनी देती रहेगी आपको, प्लस आप सीजिंग करके लाओ, सीजिंग तो लगता ही है हर महीना 4-5 गाड़ी होती ही है, तो मंथली आपको 30,000-40,000 कहीं दे गया, अच्छी जॉब है दोस्तों। और क्या बोलूँ आपको, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना अच्छा मेरे वीडियो को लाइक मतलब रिस्पांस देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुशी लगता है। तो बिल्कुल मेरे को फ़ोन कीजिए कोई भी तकलीफ होगा, अब आपकी लाइफ में मैं तकलीफ होने दूंगा नहीं, जाओ की प्रॉब्लम होने दूंगा नहीं, अपन मिलके काम करेंगे, एक अच्छी लाइफ जिएंगे और एक बहुत आयात का लाइफ जिएंगे जो ईश्वर ने हमारे रखा है। तो बिल्कुल दोस्तों मिलना कल 7 बजे शाम को, हर दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 7 बजे, तो आपको कुछ ना कुछ काम की बात मिलेगी, आपको जॉब की बात मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा, मेरे चैनल में बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आती है, ये ऊपर वाले की करामात है कि आप भी जब भी मेरा चैनल खोलेंगे आपके अंदर पॉजिटिविटी हिम्मत ताकत अपने आप जग जाएगी, ये मेरा नहीं ऊपर वाले का क्रम है। तो चैनल बने रहेगा, लाइक कीजिएगा, मिलते हैं 7 बजे एक नए टॉपिक और एक नए आत्मविश्वास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।